कक्षा 9वीं में जो हमारा लेसन चल रहा था, हम बीमार क्यों होते हैं, अध्याय 13, तो उसका जो अंतिम भाग है 4, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। निवारण के सिद्धांत। जब हमें कोई रोग होता है तो हम उसका उपचार करते हैं, निवारण करते हैं। तो हम चाहते हैं कि रोग, मतलब उपचार अलग है, मतलब रोग हो ही ना, निवारण मतलब रोग फैले ही ना, तो अच्छा है कि हम निवारण उसका पहले से ही कर लें। यदि हो गया है तो उसका उपचार करना भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें रोग, और कुछ जो रोग होते हैं संक्रमित रोग, जो कि एक दूसरे से फैलते हैं, और कुछ रोग ऐसे होते हैं कि जो होते हैं बहुत तीव्र लेकिन आसानी से ठीक हो जाते हैं। और यदि मान लो कोई रोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, तो उनका उपचार भी बहुत लंबे समय तक करना पड़ता है। तो यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो हमें सबसे अच्छा है कि उस संक्रमित व्यक्ति से हम क्या रहें, दूर रहें, तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। तो जो रोग निवारण है, उसकी एक होती है सामान्य विधि और दूसरी होती है विशिष्ट संक्रमण से बचना। तो विशिष्ट, जैसे अभी आपने वर्तमान में कोरोना देखा, तो इसका यदि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है, तो वो सही उपचार है कि उस व्यक्ति से दूरी बनाकर रहें। तो हम संक्रात्मक सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं, जो सूक्ष्म जीव फैल रहे हैं एक दूसरे से, हम उनसे बच सकते हैं। और हमें उनकी फैलने की विधियां भी मालूम है, आप पहले पढ़ चुके हो, जल द्वारा, वायु द्वारा, संपर्क द्वारा। तो इस प्रकार जैसे वातोड़ मतलब वायु द्वारा रोग फैलते हैं, तो हमें मालूम है हवा में यहाँ अशुद्ध हवा है, रोगदाई है, तो हम चाहें कि भीड़ वाले स्थानों पर हम न जाएं, और खुले स्थान पर भी जाएं जो कि साफ सुथरा वातावरण रहे। और जल से यदि कोई रोग फैलता है, तो हमें अपने जल को शोधन करके, छान कर, बकायदा उसका उपचार करके साफ जल का उपयोग करना चाहिए। ये निवारण है रोग से। आपको रोग नहीं है तो भी आप शुद्ध हवा और शुद्ध पानी का उपयोग कर सकते हैं। पानी में वैसे तो नगर निगम, नगर पालिका, सरकार पानी को शुद्ध करके नलों के द्वारा आम जनता को पहुंचाती है, तो भी हम अपने घर पर पानी को शुद्ध करके पी सकते हैं। वातावरण क्या हो, साफ हो, शुद्ध हो, जहाँ पर मच्छर, क्योंकि अधिकतर बीमारियां डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क की ज्वर, ये सब विशेष प्रकार के जो मच्छर होते हैं, इन्हीं को काटने से हो जाती हैं। तो हमें इन मच्छरों से बचना है। मच्छरों से कैसे बच सकते हैं, साफ वातावरण में रहकर। ये हो गया एक वातावरण से संबंधी। अब संक्रात्मक रोग यदि हमारे शरीर में आ गए हैं, जैसे पहले आपने सुना था चेचक, एक और रोग था चूहों से फैलने वाला, तो ये चेचक ऐसी संक्रात्मक बीमारी थी कि पूरे गांव के लोगों को, जितने लोग संपर्क में आते थे, सभी को चेचक हो जाती थी, और उसका कोई उपचार नहीं रहता था, और अंत में बहुत सारे लोगों की उससे क्या हुई, मृत्यु भी हुई। तो आजकल उसके वैक्सीन लगा दिए गए हैं, टीके बन गए हुए हैं। तो ये टीका क्या है, टीकाकरण क्या है, तो ये जो संक्रात्मक बीमारी है उनसे बचने का एक नियम हम आपको बताएंगे कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो आसानी से दवाई से ठीक नहीं होती हैं, तो उनके लिए एक विशेष प्रकार के टीकाकरण या वैक्सीन का निर्माण किया जाता है, जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसमें आ जाता है, और वो शरीर उनसे फिर लड़ता है, तो फिर वो बीमारी हमें नहीं होती है। संक्रमण क्या है, आप देखते हैं जो खांसी जुकाम है, जिसको पीड़ित, यदि आपके उसके आसपास जैसे क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी रहते हैं, तो बहुत से विद्यार्थियों को ये खांसी जुकाम हो सकता है, लेकिन सभी को नहीं होगा। तो ये हमारे शरीर में जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा जो तंत्र है, ये हमारे शरीर में रोगाणुओं से क्या करता है, लड़ाई,
मैंने पहले भी बताया, एक पुलिस वाला है, सिपाही है, वो असामाजिक तत्वों से जैसे लड़ाई करता है, ऐसे हमारे शरीर का भी जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो रोगाणुओं से लड़ता है। कोशिकाएं जो रहती हैं वो आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे से लड़ाई करती हैं, जिसकी जीत हो जाती है वो आगे बढ़ जाता है। मान लो रोगाणु की जीत हो गई तो हमारे शरीर में रोगाणु आ जाएंगे, और यदि प्रतिरक्षा तंत्र की जीत हो गई तो ये रोगाणु क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र जो रोगाणुओं से लड़ता है, और हमारे शरीर में ये विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो रोगाणुओं को क्या कर देती हैं, मार देती हैं। जैसे ही कोई संक्रात्मक रोगाणु, सूक्ष्म जीव, जल के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा हमारे शरीर में आते हैं तो ये सक्रिय हो जाती हैं, हमारे शरीर से पूरा पोषण लेती हैं, और यदि मान लो प्रतिरक्षा तंत्र इन्हें मार देता है तो हमें रोग नहीं होता है। इसका मतलब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होना चाहिए, और ये मजबूत स्वस्थ पोषण से होगा। आप स्वस्थ भोजन लेते हैं, संतुलित भोजन लेते हैं, तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र बहुत मजबूत होएगा। रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित रहती है तो रोग की अभिव्यक्ति कम होगी। मतलब ये रोगाणु हमारे शरीर के अंदर अपना गुणन करते हैं, एक से दो, दो से चार, अपनी संख्या बढ़ा देते हैं। तो शुरू में हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन यदि इनकी संख्या हमारे शरीर में ज्यादा हो जाती है तो हमें बुखार और तकलीफ होने लगती है, तब हमें समझ में आता है कि रोग हमारा काफी बढ़ गया है। तो हमें इन संक्रमित बीमारियों से कैसे बचना है? तो यदि में कोई गंभीर संक्रात्मक रोग हो गया है और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर रहा है, उसको सुलझा नहीं सक रहा, उससे लड़ नहीं सक रहा है, तो हम, और यदि हम पर्याप्त भोजन, गरीबी है, अशिक्षा शिक्षा है कि कौन सा भोजन हमें करना है कौन सा नहीं करना है, तो ये सब कारण हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करते हैं, कमजोर बनाते हैं। तो हमें भोजन की उपलब्धता उचित मात्रा में होना चाहिए। उचित शब्द इसलिए दिया है कि आप ये नहीं सोचें कि भोजन अधिक मात्रा में होना चाहिए, उचित मात्रा में होना चाहिए। तो अब हम एक प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में एक विशेष पढ़ेंगे कि पहले के समय में जो आजकल चेचक बहुत कम होती है, होती भी है तो हल्की होती है, कोई चेहरे पे दाग नहीं आते हैं। पहले चेचक महामारी थी 100 वर्ष पहले, और इतनी थी कि लोग उसके पास आने से क्या करते थे, डरते थे कि कहीं उन्हें भी चेचक ना हो जाए। तो जो चेचक रोगी की सेवा करता था, एक ऐसे भी थे जो चेचक रोगी की सेवा करते थे, उन्हें भी एक बार भयानक चेचक हुई, जीवित रहे लेकिन उनके शरीर पर चेचक के, ये उदाहरण बता रहे हैं आपको, बहुत से दाग थे लेकिन पुनः जब चेचक हुई तो इस व्यक्ति को चेचक नहीं हुई, जिसको एक बार बहुत जोर से चेचक हो चुकी थी। उसको क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके शरीर में उस चेचक वाले सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्या हो गई थी, क्षमता उत्पन्न हो गई थी। तो इसी इसी को हम बोलते हैं वैक्सीन। हमारे शरीर में हम ऐसे टीके के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने शरीर में एक प्रतिरक्षा तंत्र बना लेते हैं। उस टीके को जो हमारे शरीर में बन गया है, कोशिकाएं, कि यदि इससे संबंधित कोई रोग हमारे शरीर में आता है तो वो उससे लड़ाई करेगा। आपने देखा बच्चों को टीके लगते हैं, BCG के लगते हैं, पोलियो के लगते हैं। तो एक बार यदि हमारा रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र, रोगाणु जब प्रतिरक्षा तंत्र पर आक्रमण करता है तो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो रोगाणुओं से क्या करता है, लड़ता है, प्रतिक्रिया मतलब लड़ाई करता है। और तो यदि हम मान लो पहले से ही प्रतिरक्षा तंत्र हमारा मजबूत हो जाए, दोबारा हमें हो रहा है तो वो उसको याद आ जाता है, और फिर वह रोगाणु उससे मिलता जुलता, रोगाणु संपर्क में आता है तो उससे पूरी शक्ति से क्या कर देता है, नष्ट। तो हमारा जो दूसरा संक्रमण है वो हमारा समाप्त हो जाता है। यह प्रतिरक्षा करण का एक नियम है। तो आजकल जो टीकाकरण है कि शरीर में पहले से ही
हम विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट करा देते हैं और प्रतिरक्षा तंत्र को मूर्ख मूर्ख मतलब डुप्ली हमने विशिष्ट संक्रमण शरीर में क्या करवा दिया है, प्रविष्ट करवा दिया है। वो उन रोगाणुओं की क्या करता है, नकल करता है जो टीके के द्वारा हमारे शरीर में पहुंचे हैं। और जब रोग उत्पन्न करने वाला रोगाणु हमारे शरीर में आता है तो ये जो प्रतिरक्षा तंत्र है ये उससे लड़ाई करता है, उस पर मतलब उससे वो करता है और रोगाणुओं को मार देता है और हमें बीमारी नहीं होती है। तो ये देखिए, टिटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, चेचक, पोलियो, ये टीके बच्चों को लगवा दिए जाते हैं। और ये हमारा एक सरकार का ये स्वास्थ्य कार्यक्रम है, आपको ये फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगवाए जाते हैं ताकि बच्चों को। टिटनस का तो समय आने पर भी बार बार लग सकता है, लेकिन जन्म होते साथ भी उसको एक टिटनस का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो ये जो टीकाकरण है, टिटनेस का कार्यक्रम है, ये टिटनेस आदि से जो बचना है, ये हमारा सरकारी दायित्व है। उसने जो चिकित्सालय खोले हुए हैं वहाँ पर आपको ये लग सकते हैं। आजकल एक हेपेटाइटिस का भी टीकाकरण किया जाता है जिससे कि पीलिया होता है। तो ये अधिकतर दूषित पानी द्वारा हमारे शरीर में चला जाता है, तो इसके टीके भी लगवाए जाते हैं। कई लोग नहीं लगवाते हैं, लेकिन वर्तमान में ये सभी को लगवाना चाहिए। तो 5 वर्ष की आयु तक जब बच्चा होता है तो वो हेपेटाइटस ए के प्रति क्या हो जाता है, प्रतिरक्षी, मतलब उसमें इस हेपेटाइटस ए के वायरस से लड़ने की क्या आ जाती है, क्षमता आ जाती है। तो इस प्रकार ये टीकाकरण से हम संक्रमित बीमारियों से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो जो टीकाकरण था उसका जो का आविष्कार किसने किया था, ये एक प्रश्न आपकी बुक में दिया हुआ है। एडवर्ड जेनर थे, उन्होंने सबसे पहले टीकाकरण का आविष्कार किया। पहला प्रश्न है ये, दूसरा प्रश्न, तो आपको इस अध्याय में इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ना है, पूरा लेसन अच्छे से पढ़ना है बुक से, ताकि आपको खालिस्तान और अन्य जो प्रश्न है वो बन सके। धन्यवाद।